नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोडसे फ्रॉम पेंसिल्वेनिया। कुछ कुछ लोग अभी ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न हो सकता है। मेरे ख्याल से कोरोना वायरस खतरनाक जरूर है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन देख के अपना बिहेवियर चेंज नहीं करने वाला। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 14 जनवरी को इतनी अहम गलती की थी जब उन्होंने कहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन संभव नहीं लगता। उसके बाद अगर कोई भी उनके पास कोई भी सुझाव लेके जाता है, वो तो कहेंगे कॉशियसली कि देखेंगे, सोचेंगे। इतने देर हम लोग सोच रहे थे कि ये ड्रॉपलेट है। ड्रॉपलेट मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, तो सीधा ज़मीन पे गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। एरोसॉल एयरबोर्न हवा में थोड़ा देर तैर सकता है, 2-3 घंटा तैर सकता है। अभी सोच लीजिए, अगर वो एयरबोर्न होता तो इतना उधम मचा चुका होता कि जैसा वो हंगर गेम में डिक्लेयर करते हैं ना विनर्स के नाम, वैसा हम लोग डिक्लेयर करते थे कि ये 15 लोग को कोरोना नहीं हुआ है, बाकी सब लोगों को हो चुका होता। और उसका सामना करना बम्बई में तो एकदम, या इंडिया में तो एकदम सिंपल है, सामना कर ही नहीं सकते। कैसा सामना करेंगे? 20 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा। अगर किसी ने बात करने के बाद 2-3 घंटा वो हवा में तैरता रहेगा तो दफ्तर कैसे खोलेंगे, पंखा कैसा चलाएंगे, एसी कैसे चलाएंगे? अगर बेस्ट बस में आगे ड्राइवर है, 20 फीट पीछे कंडक्टर है और बीच में जनता ही नहीं है तो बसेस क्यों चलाएंगे? तो उसका सामना करना मुमकिन ही नहीं है। ये बात जरूर है कि वो आरएनए वायरस है तो वो म्यूटेट हो सकता है, शायद उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ होगा। तो सोचेंगे, देखेंगे। अगर आप एकदम छोटी सी एरिया में हो जहाँ पे रिसर्कुलेट एयर हो रहा है और वेंटिलेशन कम है और कोई खांस रहा है तो ज़्यादा सावधानी जरूर बरता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा बिहेवियर चेंज कर दें। क्योंकि क्या हुआ है, इतनी बुरी न्यूज़ एक के बाद आ रही है। जैसा मिर्जा गालिब ने कहा था, रंज से खूगर हो गया इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आशा हो गई। तो अब सब ये बुरी बातें छोड़ देते हैं, थोड़ा होपफुल भी सोचते हैं। दो अच्छी न्यूज़ें हैं। एक न्यूज़ ऐसी है कि काफ़ी वैक्सीन्स अभी फेज 3 में पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, लेकिन ये बाकी सब बुरी न्यूज़ के बीच में छुपी हुई है। और दूसरी न्यूज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं कोरोना का कम्युनिटी में काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरे पास, लेकिन मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं कहता, इसलिए मैं बोलने के पहले थोड़ा सोचता हूँ, आदत से मजबूर हो। अभी सब ह्यूमन बीइंग्स प्रेशियस है, लेकिन वो जो 239 साइंटिस्ट ने वो जो लेटर लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, आप गूगल कीजिए उनका रेज्यूमे क्या है, उन्होंने क्या किया है, आपको मजा आएगा, मुझे भी मजा आया था। थैंक यू डॉक्टर रवि गोडसे।